अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब। मैं आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी, ये जो है 28 और 29वां रोज़ा है जो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। थोड़ा सा लेट हूँ लेकिन क्या करूँ, टाइम बिल्कुल नहीं मिला था और मेरा कॉन्टेंट था कि मैं पूरा रमज़ान आपके साथ शेयर करूँगी, तो दो रोज़े की जो मैंने क्लिप बना कर रखी थी वो भी आपके साथ जो है शेयर करने लगी हूँ। और जो है आज आवाज़ थोड़ा सा भारी लग रहा होगा आप सबको, क्योंकि मुझे हो गई है शदीद सर्दी और अचानक ही सर्दी हो गई। क्या हो गया कि मैंने लेमन जूस जो था बिल्कुल फ्रीज़र में ठंडा करके पी लिया था, क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी तो उस वजह से जो है मुझे सर्दी हो गई है। तो जो वॉइस है उसे ज़रा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हर बार जैसा मेरा आवाज़ नहीं निकल रहा है। गले में कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा था लेकिन वॉइस ओवर करना था तो मैंने कर दिया। तो खैर सर, 28वां रोज़ा है और सारी चीज़ें जो है हमें तैयार करनी थी, क्योंकि अब जो है ईद आने वाली है तो किचन को जो है फिर से सेट करेंगे, सारी चीज़ें एक्स्ट्रा की निकाल कर रख देंगे और जो जो साफ़ सफाइयाँ करने वाली चीज़ें थी वो सबको साफ़ करेंगे। और अभी जो है टेबल बिल्कुल मैसी लग रहा है और अब जो है सारा मिलकर करेंगे, तो तकरीबन इसमें हमें देर से 2 घंटे लग गए थे। शोकेस वगैरह बिल्कुल साफ़ करना था क्योंकि सारी चीज़ें आगे आ गई थी, जो नहीं यूज़ करनी वो पीछे चली जाएगी। और जो बॉटल्स हैं जो आधी आधी बच गई है और जो पूरी अभी वैसे पैक पड़ी है उन सबको पीछे डाल देंगे और ये वाली पहले यूज़ कर लेंगे ताकि फटाफट से सब ख़त्म हो जाए। तो जी, घर के काम ऐसे ही होते हैं, एक काम निकालते हैं तो एक के बाद एक निकलता ही जाता है। तो सारी चीज़ें धो धा कर आलू प्याज की टोकरी है उसे रख दिया है, सारे कप्स जो है वगैरह आगे रख दिए क्योंकि हम लोग अब बड़े यूज़ करेंगे, छोटे कप जो है हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं। और ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मैंने सेट कर दी है माशाल्लाह से, और जितनी जो कम कम बच गई थी चीज़ें आगे ले ली है और मैं पहले यूज़ करूँगी। सारी ट्रेस वगैरह इधर रख दिया है, कलाम पाक की जो है जगह अब जो उसकी जगह पर रख दिया है, क्योंकि बाहर रखते हैं तो मट्टी वगैरह लग जाती है, तो एहतियात से वापस से उसे अपनी जगह पर रख दिया है। और आसमा इधर लगी है सफाइयों में, क्योंकि हम लोग ऊपर के वाले फ्लोर में रहते हैं तो मट्टी वगैरह ज़्यादा उड़ कर आती है और हवाएं भी ऊपर ज़्यादा आती है। तो पहले ये सारा काम करेंगे और सारी चेंजेस वगैरह करनी हो आपके साथ आगे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो तीन सफाइयों के दरमियान भी मेरे कपड़े वाला काम जो है ख़त्म नहीं हो रहा था, मेरे ईद का ड्रेस मैंने सिला नहीं था। एक्चुअली ये भी ईद का ड्रेस है ही नहीं, क्योंकि ईद पर मैंने 3-4 जोड़े ले लिए थे, मुझे समझ में आ गए थे। तो और ये थोड़ा सा लाइट था और मुझे यही पहनना था, क्योंकि मैं इसके आगे आपको इसकी स्टोरी शेयर करूँगी कि मैंने ये वाला कलर क्यों चूज़ किया है और अच्छे वाला ड्रेस जो है मैंने क्यों नहीं सिला। तो चलिए, अब जो है बेडरूम की जो है बिल्कुल सफाइयाँ हो चुकी है, अब हॉल में जो है हमारा सफाइयों का नंबर लग चुका है। तो माशाल्लाह से आसमान ने फटाफट से सारी चीज़ें कर ली है और एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैं और अजीमा है वो करते जा रहे थे। तो जी, घर के काम के साथ साथ मुझे जो है बाहर के काम भी देखने पड़ते हैं। अतीक बिल्कुल शॉप पर है, चले 2-3 दिन है तो उनको शोरूम पर घरा की बहुत ज़्यादा है और वो सारे काम भी निपटाने होते हैं। आकर मैंने जो है फटाफट से बना लिया था कीमा आलू और साथ में जो है मैं बना लूँगी पास्ता, क्योंकि अजीमा का दिल चाह रहा था। और लास्ट टाइम जो है आज बनाएंगे हम लोग ट्राइफल, और वो भी आज और कल यानी कि 28 और 29 का ट्राइफल एक साथ बना लेंगे ताकि चांदरात वाली रात जो है हमें थोड़ा सा काम कम करना पड़े। तो फटाफट से बना लेते हैं पास्ता और सारी चीज़ें, फिर आपके साथ शेयर करते हैं कि आगे हमने क्या किया। तो आपको जो है पास्ता की रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आजकल तो सबको पास्ता बनाना आता है और मेरी कोई प्रॉपर रेसिपी नहीं होती, मैं कुछ भी बना डालती हूँ और कुछ भी डाल देती हूँ, मेरे पास्ता जो है माशाल्लाह से अच्छे से रेडी हो जाते हैं। तो जी, शाम हो गई, ऐसा नज़दीक है और फटाफट से काम निपटाऊंगी और मैं जाऊंगी फटाफट से इफ्तार करके शोरूम पर, क्योंकि जो है अतीत की उंगली में पता नहीं क्या हो गया है तो उसमें पस हो गया है, तो उनको जो है छोटी सर्जरी करानी पड़ेगी। और अभी जो है कोई डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है और उतना टाइम भी नहीं कि उनकी उंगली को लेकर बैठा जाए, क्योंकि लास्ट 2 दिन है उसमें ही हम ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं। और इसी तरह से जो हम लोग लास्ट 2 दिन हमारा जो है ऐसे ही गुजर जाता है। तो अभी हम लोग फटाफट से यही बातें कर रहे थे कि फिर टिफ़िन लेकर चले जाएंगे या क्या करेंगे, तो आगे जो भी करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। पड़ी थी गार्लिक ब्रेड जो ला कर रखे थे और बनाना भूल गए थे, तो फटाफट से पिज़्ज़ा टॉपिंग की जो है एक ही डब्बे में मिक्स कर लिया था और इस ब्रेड पर लगा दिया है। तो बहुत से मज़े से जो है हम लोग के जो पिज़्ज़ा ब्रेड तैयार हो गए थे, इस बार जो है गार्लिक ब्रेड नहीं बनाया था। और जो माशाल्लाह से शबनम पापा के वहाँ से आ गई थी बिरयानी और साथ में आ गए थे चिकन दाना और फालूदा, और उनके यहाँ भी भिजवाना था तो भिजवाना है, साथ में आ गया था समसा, क्या बच्चों ने रोज़ा रखा था तो खाजा भिजवाया था तो वो भी रख दिया है। और अब जो है लास्ट वाली इफ्तारी है और अल्लाह ताला जो है कबूल करे हमारी सारी जो हमने दुआएं जो मांगी है
और जो है रमज़ान जाने का गम भी है और एक साथ जो है ईद की खुशी भी है, लेकिन रमज़ान जाने का गम हमको सबको सबसे ज़्यादा है। तो जी फटाफट से इफ्तार कर ली है और जाने लगी हूँ अब शॉप पर, क्योंकि फटाफट से पहुँचना होता है। इफ्तार के बाद जो है फ़ौरन ग्राहक स्टार्ट हो जाती है और जो ग्राहक है वो जो है बाहर बैठ रहते हैं तो वो जो है अच्छा नहीं लगता। आती पहुँच चुके हैं और मैं भी जाने लगी हूँ, और रात को जो है कुछ नहीं किया, आकर जो है थोड़ा सा खीमा खिचड़ी खा लिया था क्योंकि देर हो गई थी और खाया भी नहीं जा रहा था। तो अब जो है ये 29वीं जो है रोज़ा है और आज जो है मैं करूँगी कल की तैयारियाँ भी। तो मैंने चिकन जो है निकाल के रख दी है क्योंकि फ्रीज़र में रखी थी और मैंने जो है एक दिन पहले ही सारी चीज़ें कटवा ली थी। ईद के दिन क्या होता है कि फटाफट से जो है चिकन चाहिए, ऐसी जो है कटिंग नहीं हो पाती। और आज जो है खैर से लास्ट जुम्मा है तो ये वाला ड्रेस निकाला है, वरना मैं लेकर आई थी लास्ट जुम्मा का ड्रेस और वो मैंने पहना नहीं। और आज जो है मैं दोपहर में फटाफट से करूँगी फेशियल और ब्लीच, अपने पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्योंकि पूरा महीना वैसे ही निकल गया। तो यही वाला रानी वाला ड्रेस पहनूंगी और साथ में आप कर लूँगी ब्लीच और फेशियल। तो जी आसमा के जो है ससुराल वाले की मैंने दावत की थी, आसमा को भी ब्लीच फेशियल करवाना था लेकिन कुछ रीज़न आ गए थे तो वो नहीं जा पाई। और वो जो है सुबह में उठेगी तो स्क्रब और थोड़ा सा फेशियल अपने हाथ से ही कर लेगी। और ये जो है शाम का वक्त है, लास्ट इफ्तारी थी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था और बाहर से मंगवा लिया था थोड़ा बहुत। और ये जो है सारी मैरिनेशन करने लगी हूँ और ये जो है मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करी हूँ, आप मस्त मस्त बनाइएगा, बहुत ही अच्छी बनी थी। तो मैंने क्या कर लिया, चिकन टंगड़ी ले ली है, ये तकरीबन जो है 1.5 किलो के करीब है क्योंकि मुझे कल दावत करनी है आसपास के ससुराल की, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए मुझे आज से तैयारी करनी होगी। और ये रेसिपी है बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार हुई थी और इजी भी थी, तो आप जरूर उसे ट्राई कीजिएगा। चिकन टंगड़ी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और डीप कट लगा लिए है, उसके बाद उसमें शामिल कर दिए 2 नींबू और यानी कि नींबू का रस, और उसमें शामिल कर दिया अदरक लहसुन और काली मिर्ची। बस ये एक फर्स्ट वाला मैरिनेशन है, इसको रख देंगे और अच्छे से मसाज करके फ्रीज में, ठीक है। इसकी आगे जो है मेथड है वो मैं आपके बाद में शेयर करूँगी। और अब जो है मैं बनाने लगी हूँ टिक्का बिरयानी, और वो भी है पर्दा टिक्का बिरयानी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इस बार जो है शान वाला टिक्का मसाला ले लिया है, वरना हर बार जो है मैं रमज़ान का टिक्का मसाला लेती हूँ, लेकिन बिरयानी में आप जो है यही वाला जो है टिक्का मसाला यूज़ कीजिएगा। शामिल कर दिया है इसमें जो है आधा पैकेट के करीब जो है शान का टिक्का बिरयानी मसाला, उसमें शामिल कर दिया है कश्मीरी रेड मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी और नमक, और जो डाल दिया है 1.5 कप के करीब जो है इसमें दही और अदरक लहसुन। इस सबको अच्छे से जो है मिक्स करेंगे, बड़े बर्तन में मिक्स कीजिएगा क्योंकि इसकी मसाज भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप जो है किसी और बर्तन में ट्रांसफ़र करके जो है फ्रीज में रख दीजिएगा। तो जी मैंने ये भी जो है 2 किलो करीब ली थी और जो है इसे अब इसके अंदर डालेंगे और अच्छे से मसाज करके इसको भी डाल देंगे फ्रीज में। तो जी अब चलिए चलते हैं इफ्तारी की तरफ। और इफ्तारी में आज कोई अच्छा ज़्यादा इतमाम नहीं किया था, मैंने बाहर से सब मंगवा लिया था और साथ में जो है मैंने बनाया था आलू पापड़। तो शबनम मामा के वहाँ से भी आ गया था तो उनको पहले पहुँचा देते हैं, बाद में जो है हमारा भी हम लोग निकाल लेंगे। और आज कुछ भी ज़्यादा मूड भी नहीं था और अधिक जो है इफ्तार करके वापस फटाफट से चले जाएंगे, बाकी वो जो खाने आते हैं वो खाने नहीं आएंगे। तो मैं जो शॉप पर टिफ़िन लेकर जाऊंगी और फटाफट से ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके आपके साथ शेयर करते हैं कि फिर आगे क्या करते हैं। और आज जो है लास्ट जो है रोज़ा है तो रोना बहुत आ रहा था और ये बरकतें चले जाने वाली है इंशाल्लाह, आगे ज़िंदा रहे तो रमज़ान में जो है वापस से रमज़ान की जो है रौनकें और उसको नसीब करेंगे, वरना जो हम चले जाएंगे तो ये हमारा आखिरी जुम्मा होगा। तो आज जो है ढेर सारी जो है दुआएं की है और अल्लाह ताला से कहा है कि अगला रमज़ान हमें देखना नसीब हो, आमीन सुमन आमीन। और हमारे महरूमन की मगफिरत फरमाए, अल्लाह ताला ने जन्नत में आला से आला दर्जा अता करे। और काफ़ी सारे बच्चे जो है इत्तेकाफ़ में बैठे हैं, अल्लाह ताला इनकी इबादतों को भी जो है कबूल फरमाए और इतने नेक काम के लिए इत्तेकाफ़ में बैठे हैं और अल्लाह ताला इन्हें हिम्मत दें कि माँ बाप को भी इसका अजर दे। तो जी ये जो है मेरी आखिरी वॉइस ओवर है रमज़ान वाली, इंशाल्लाह ईद की आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी कि ईद के दिन क्या किया था। तो अब जो है आप दीजिएगा इजाज़त, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ चटपटी बातें, और जो रेसिपी आपके साथ शेयर की थी वो भी आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। दुआ में हमेशा याद रखिएगा, मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।